तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर नेचुरली जनरेटेड इंड पोर्टल स्पॉन हो चुका है। ये एक माइनक्राफ्ट का एक अमेजिंग सीड है और साथ के साथ वीएड भी। का पॉसिबिलिटीज सिर्फ मिलियन या ट्रिलियन में सिर्फ एक बार होता है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं द माइनक्राफ्टर, आप देख रहे हैं द माइनक्राफ्टर। वेलकम है आप सभी का माइनक्राफ्ट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं अभी 1.17 ऑफिशियल वर्जन में हूँ। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि माइनक्राफ्ट की चार बहुत ही अजीब सीड्स जो आपको एक बार ना एक बार मिलना चाहिए। वीडियो सर्वाइवल के लिए तो थोड़ा ठीक नहीं होगा मे बी, लेकिन देखने में जरूर मजा आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूँगा PS गेमिंग को। थैंक यू ब्रो फॉर योर सपोर्ट टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइज। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप ये सीट आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है 37616226। चाहो तो ये सीट नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसके बाद प्ले करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इस सीट का क्या स्पेशलिटी है। पहले जब हम इस सीट में स्पॉन होंगे तो ये सीट हमें नॉर्मली लगेगा। यहाँ पर एक विलेज होगा, यहाँ पर एक डेजर्ट है और यहाँ पर एक ये फॉरेस्ट है। लेकिन अगर हम कुछ ध्यान से देखें तो हमें विलेज के अंदर एक रविन मिलेगा। और रविन के पास एक ब्लैक स्मिथ का घर मिलेगा, वहां पर हमें 3 डायमंड्स, 2 स्वॉर्ड, 6 ऑप्सीडियन, एक हेलमेट, एक चेस्ट प्लेट और कुछ खाना मिलेगा। वो बड़ी बात नहीं है। तो इसके पास हमें एक जो रविन मिलेगा, उस रविन के नीचे हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाए और इस पोजीशन में आए, तो अगर हम पीछे मुड़े तो हम क्या देखेंगे कि ये एंड पोर्टल यहाँ से गायब हो चुका है। इस जगह पर एक एमिथिस जियोट स्पॉन हो चुका है। ये देखिए एंड पोर्टल यहाँ से गायब हो चुका है, ये देखिए। तो ये था माइनक्राफ्ट का 1.17 वर्जन का एक वियर्ड सीट इन बेडरॉक एडिशन। नंबर 2, ये सीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपका ये सीट का नंबर दिख रहा है, वो है -182101-9473। तो अब हम इसको प्ले करेंगे। ये सीट में हम स्पॉन हो चुके हैं। ये सीट वैसे तो नॉर्मल है, बस इसमें एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर स्पॉन हुआ है, हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम स्पॉन होने के बाद एक लोकेशन में जाएंगे। तो वैसे तो ये एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़े तो हम क्या देखेंगे, ये देखिए बोन स्ट्रक्चर, जो माइनक्राफ्ट में बहुत ही रेयर होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बीच में स्पॉन हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर और ज़्यादा स्पॉन हो चुका है, ये देखिए ये और ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही रेयर आइटम है जो आपको इस सीड में ही मिलेगा बेडरॉक के। और अगर हम इससे थोड़ा आगे जाए और अगर हम इस पोजीशन में जाए, आप स्क्रीन में इसका पोजीशन देख सकते हैं, तो हमें एक और बोन का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखिए। और सामने हमें एक लाइब्रेरी भी मिलेगा। तो ये था एक और अमेजिंग या वियर्ड सीड, आप जो भी कहो। नेक्स्ट जो अमेजिंग सीड आप देख सकते हो, उसका नंबर है 115127-8105। आप ये स्क्रीन में देख सकते हो। अगर हम इसको प्ले करें तो वो आप स्पॉन होने के बाद आपको एक लोकेशन में जाना होगा। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुके हो, आप देख ही सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल सा लगता है। हम अगर पीछे मुड़े तो हमें एक एंड पोर्टल मिलेगा, ये तो बहुत ही आम बात है ना। लेकिन तो अगर उस जगह से हम थोड़ी दूर आए तो और पीछे मुड़े तो हमें एक और एंड पोर्टल मिल जाएगा। इसका गैप बस कुछ ही ब्लॉक है, जैसे आप देख सकते हैं। पहला था हमारा -804-35-122 और ये है -823-25-1219। तो हम देखेंगे वो एंड पोर्टल कहाँ है।
ये देखिए हम वो इन पोर्टल में आ चुके हैं अभी। तो अभी हम थोड़ा ग्लिच व्यू में आ चुके हैं, तो हमारे सामने एक स्पॉनर आप देख सकते हैं। तो अब हम एक और सीट देखेंगे जो फाइनल सीट होगा, और वो भी बहुत अमेजिंग है। वो अभी आप स्क्रीन पे वो सीट का नंबर देख सकते हैं, वो है 4664-28990। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, प्ले करेंगे। तो हमें एक एंड पोर्टल देखने को मिलेगा जो पूरा तैयार है, जिसमें हमें एक भी आई ऑफ एंडर नहीं देना होगा। तो ये ट्रिलियन में एक बार स्पॉन होते हैं और बहुत दूर स्पॉन होते हैं स्पॉन पॉइंट से, तो ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और आप ध्यान रखिएगा कि आप 1.17 का कोई बेटा वर्शन में ना खेलें, तो थोड़ा ग्लिच हो सकता है, क्योंकि मैंने 1.1 बेटा वर्शन में भी ये लोड करने का कोशिश किया था, कभी कभी लोड नहीं हुआ था। ये 1.17 का एकदम ऑफिशियल वर्जन है जो रिलीज़ हो चुका है, उसमें ही मुझे मिला था। तो ये था माइनक्राफ्ट का कुछ बेहतरीन सीड्स जो आप मज़े के लिए ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।